हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज मैं आ गई हूँ बहुत ही टेस्टी आलू परवल की सब्जी लेके, जो खाने में है बहुत ही टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो परवल और मैंने एक बार धुल लिया है, तो सबसे पहले इसे काटेंगे। तो यहाँ पे मैं छील लूँगी परवल को। तो एक पीलर ले लिया है मैंने यहाँ पे, और पीलर से छिलका छील लेंगे, लेकिन परवल का पूरा छिलका यहाँ पे हमें नहीं हटाना है, थोड़ा ही छिलका हमें हटा लेना है और थोड़ा थोड़ा रख देना है। पीलर हो या फिर नाइफ हो, जिससे आपको सिंपल लगे, इस तरीके से निकाल लेना है। तो मैं सारे परवल का छिलका इसी तरीके से निकाल ले रही हूँ और आगे पीछे का साइड कटिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो मैंने छील लिया है और एक बार फिर से धुल लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी एक बाउल में, और इसमें मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए भिगो के, क्योंकि परवल के खेती में बहुत सारा केमिकल यूज़ होते हैं, ताकि इस पानी में अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मसाला बनाना शुरू करते हैं। एक चम्मच धनिया डाल दिया है, दो मीडियम साइज टमाटर चॉप करके, हरा मिर्चा 4 से 5 तीखा स्वाद अनुसार, 1.5 इंच अदरक और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। तो सबसे जल्दी पेस्ट कर लिया है यहाँ पर मैंने। तो अभी परवल को 10 मिनट हो चुके हैं, मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। तो मैं एक परवल के 2 ही टुकड़ा कर रही हूँ और बीच में से एक छोटा सा कट कर दे रही हूँ। चाहे आप माइनस बनाएं या फिर प्लस, इस तरीके से कट कर देने से इस परवल के अंदर तक मसाला का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से पहुँच जाते हैं। हल्का हल्का सा कट करना है, ताकि ये परवल बिल्कुल भी ग्रेवी में टूट फूट ना जाए। तो हल्का सा कट कर लिया है मैंने, यहाँ पर अभी देख सकते हो। एक बार धुल के रेसिपी को फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें डाल दे रही हूँ मैं परवल। परवल को सबसे पहले हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि परवल के अंदर से जितना भी पानी निकले वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। तेल में मिक्स करने के बाद 1 मिनट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा नमक, यहाँ पे 1 चुटकी भर मैंने नमक डाल दिया है, और यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून तक हल्दी डाल दिया है। अब मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। परवल को इस तरीके से फ्राई कर लेने से परवल की सब्जी पानी पानी यानी कि फीका फीका बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो फ्राई हो चुके हैं, मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दे रही हूँ, और अब फ्राई करूँगी आलू। तो एक बड़े साइज आलू को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो एक बार मिक्स होने देते हैं। तो फिर से 1 से 1.5 मिनट तक बिना कुछ नमक डाले ही फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। अब मैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा डाल दूंगी नमक, और इसी तरीके से आलू को भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं, और आलू को मैंने मीडियम फ्लेम में रखते ही फ्राई किया है, और कितना अच्छा कलर आ चुके हैं, और लगभग यहाँ पे 70% आलू फ्राई भी हो चुके हैं। तो मैं एक प्लेट में फिर से निकाल ले रही हूँ। इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाल चुकी हूँ। अब सबसे पहले डाल दे रही हूँ इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा को हल्का सा ब्राउन होने के बाद अब मैं डाल दे रही हूँ एक बड़े साइज प्याज को, इस तरीके से बारीक चॉप करके, और प्याज को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है, चलाते हुए मीडियम टू स्लो फ्लेम में रखते हुए। एक दो बार बीच बीच में चला दे रही हूँ। प्याज यहाँ पे बिल्कुल ही ब्राउन कलर आ चुके हैं। अब मैंने पेस्ट किया हुआ मसाला डाल दिया है, और एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मसाला को। मिक्स करने के बाद 1 मिनट हो चुके हैं। अब डाल दे रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के जीरा पाउडर। लेकिन नमक डालते हुए ये भी एक ख्याल रखना है कि आलू और परवल फ्राई करते हुए नमक डाला है। 1/2 छोटी चम्मच मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर, और इस तरीके से मिक्स करते हुए मीडियम टू स्लो फ्लेम में रखते हुए मसाला को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि साइड में से तेल छोड़ने लगे। तो यहाँ इस वक्त मैं हल्का सा तेल छोड़ने के बाद मैं जितना भी जार में मसाला लगा था थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इस टाइम मसाला भूनना अच्छे तरीके से हो गए हैं, साइड में से बहुत ही अच्छा तेल छोड़ रहा है। इस टाइम मैं डाल दे रही हूँ आलू, और आलू यहाँ पे भून लेंगे मसाले के साथ। अभी इस टाइम बहुत ही अच्छे से भूनना हो चुके हैं। तो अब लास्ट में परवल भी डाल दे रही हूँ फ्राई किया हुआ। परवल डालते हुए बहुत ही आराम से हमें मिक्स कर लेना है, और बस 1 ही मिनट हमें फ्राई कर लेना है मसाला और आलू के साथ, ताकि परवल बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, नहीं तो ग्रेवी में एकदम टूट फूट जाएंगे। तो अब मैं पानी डाल दे रही हूँ, 2 गिलास तक मैं पानी डालूँगी। तो एक बार चेक भी कर लेना है, अगर ज़रूरत समझ में आए
तो पानी यूज़ करना है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, तो मैं इस टाइम फुल फ्लेम में करती हुई ढक दूँगी जब तक कि ग्रेवी ना कम हो जाए। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं फुल फ्लेम में रखते हुए, तो मैंने एक बार बीच में चला दिया था और 2 पीस आलू मैश कर दिया था, जिससे कि ग्रेवी हल्का सा और गाढ़ा हो चुके हैं। और ग्रेवी का कंसिस्टेंसी मैं थोड़ा सा पतला ही रख रही हूँ आज, तो इस वक्त मैं 1/2 छोटी चम्मच डाल दे रही हूँ गरम मसाला। तो यहाँ पर मिक्स्ड कर लेते हैं। अभी फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो कर देना है ताकि ऊपर से एक तेल का शाइन आ जाए, जैसे कि अभी इस वक्त आ चुके हैं, मैंने ऑफ कर दिया है बिल्कुल, अभी बिल्कुल तैयार है। चलिए सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट में सर्व कर दे रही हूँ एकदम गर्मा गर्म मसाले वाली आलू परवल की सब्ज़ी, जो खाने में है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इसके साथ रोटी चावल कुछ भी खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। मुझे उम्मीद है आज का आलू परवल की सब्ज़ी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब इसी तरीके से टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में नहीं करते हो तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं जो मैं नया रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कोई रेसिपी में। टाटा बाय बाय।